डीएनए रेप्लिकेशन की बात करता हूँ, तो मेरे भाई डीएनए के जो रेप्लिकेशन है इसके लिए बेसिकली चार एंजाइम की क्या होती है अपने को जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। पहला जो एंजाइम होगा वो आपका अनविंडेज या हेलिकेज होगा, दूसरा जो एंजाइम है वो आपका डीएनए पॉलीमरेज है, और जो तीसरा एंजाइम है वो क्या है आपका आरएनए प्राइमेज, और चौथा एंजाइम क्या है आपका लाइगेज। अब जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो ऐसा नहीं होता कि कहीं से भी हो जाए, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो एक पर्टिकुलर साइट से होती है, तो वो जो पर्टिकुलर साइट होती है ना उसी पर्टिकुलर साइट को अपन लोग क्या बोलते हैं ओरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं ओरी। ओरी मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एक्चुअल में ओरी है क्या, देखो कहीं कहीं जो आपका डीएनए होता है वहां पर जो एडिनाइन और जो आपका थायमिन है, एडिनाइन और आपका क्या है जो थायमिन है, जब ये सीक्वेंस बार बार आते हैं तो वहीं से डीएनए आपका क्या होता है खुलना स्टार्ट होता है, क्योंकि ये जो एडिनाइन और थायमिन है ये कैसा बॉन्ड बना रहे हैं डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर इसी के अंदर आपका ग्योनाइन और जो आपका साइटोसाइन है अगर ये होते तो कैसा बॉन्ड बनाते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो जहां पर एडिनाइन और थायमिन का सीक्वेंस बार बार रिपीट होता है वहीं से डीएनए आपका क्या होता है ओपन होता है, और बेसिकली उसी साइट को अपन लोग क्या बोलते हैं ओरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं ओरी, ठीक है। तो इस साइट को खोलने का और ओपन करने का जो काम होता है वो अनविंडेज एंजाइम का होता है, और किसका होता है हेलिकेज का होता है। तो जब डीएनए को ये क्या करता है यहाँ से ब्रेक करता है तोड़ता है ये जब बेसिस को, ठीक है ना, डीएनए को जब ओपन करता है तो यहाँ पर एक क्या होता है वाई शेप का स्ट्रक्चर बनता है। कैसा बनता है वाई शेप का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसी वाई शेप के स्ट्रक्चर को अपन लोग क्या बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। तो ये जो हेलिकेज और जो अनविंडेज एंजाइम है ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये जो आपके बेस है इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको तोड़ रहा है, मतलब डीएनए के दो जो स्ट्रैंड है उनको क्या कर रहा है अलग अलग कर रहा है, जिसकी वजह से एक वाई शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है, और इस वाई शेप के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर, ठीक है। अब समझो ये जो आपका डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है ना, ये जो आपका डीएनए पॉलीमरेज है इसकी दिक्कत ये है कि ये जो नया आपका मतलब स्ट्रैंड बनाता है ये हमेशा कौन सी पोलैरिटी से बनाता है। डीएनए पॉलीमरेज आपका जो न्यू स्ट्रैंड हमेशा बनाता है वो 5' to 3' की तरफ बनाता है, ठीक है। तो एक स्ट्रैंड को देखो जैसे 3' to कितना है 5', तो यहाँ पर आपका ये आएगा, लेकिन यहाँ पर आने से पहले एक छोटा सा क्या होता है आरएनए प्राइमर लगेगा। क्या लगेगा यहाँ पर आरएनए प्राइमर, ठीक है ना। यहाँ पर बेसिकली छोटा सा क्या लगेगा आरएनए, क्या लगेगा आपका प्राइमर, मतलब जो सिंगल स्ट्रैंड आपका जो मतलब होता है ना, ठीक है ना, उसी को अपन लोग आरएनए क्या बोलते हैं प्राइमर बोलते हैं। और इसको यहाँ पर लगाने में, इसको यहाँ पर जोड़ने में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है आरएनए प्राइमरेज। क्या बोलते हैं आरएनए प्राइमरेज। आरएनए प्राइमरेज ये जो सिंगल स्ट्रैंड है इसको इसके कॉम्प्लीमेंट्री से जोड़ने का क्या करता है काम करता है, इसी को आरएनए प्राइमर बोलते हैं। अब आपका ये जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज ये लगातार यहाँ पर क्या लाएगा कॉम्प्लीमेंट्री बेस लाएगा। क्या लाएगा लगातार कॉम्प्लीमेंट्री बेस, और ये बेस को क्या करता जाएगा जोड़ता जाएगा, और इस तरीके से आपका ये 5' से कहाँ ले जाएगा ये 3' ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा 5 पोलैरिटी से 3 पोलैरिटी की तरफ ये क्या कर जाएगा ले जाएगा इसको, क्योंकि ये स्ट्रैंड लगातार बन रही है दिख रहा है ना, तो इस स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बोलते हैं या लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस स्ट्रैंड या लीडिंग स्ट्रैंड। लेकिन अगर आप ये वाली स्ट्रैंड देखो 3' to 5', इसमें क्या है कि जैसे ये जो आपका डीएनए है ध्यान से देखना, जब ये आपका डीएनए है यहाँ तो लगातार ऐसे बन रहा है तो यहाँ पर ये 5' है और ये क्या है आपका 3', ये हल्का सा बनेगा, फिर डीएनए थोड़ा और ओपन होगा, ठीक है ना। जैसे समझो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, जैसे ये आपका डीएनए है, डीएनए एक बार में तो सारा खुल नहीं सकता है। डीएनए एक बार में सारा क्यों नहीं खुल सकता है, क्योंकि डीएनए के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा क्या चाहिए एनर्जी चाहिए, जो कि इजिली अवेलेबल नहीं होती है। तो थोड़ा थोड़ा डीएनए आपका क्या करता है खुलता रहता है, और थोड़ा थोड़ा उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस और जो न्यू स्ट्रैंड है उसको क्या किया जाता है बनाया जाता है, थोड़ा थोड़ा क्या होता जाएगा बनाया जाएगा। ये तो लगातार ऐसे बनता जाएगा उसमें दिक्कत है नहीं, लेकिन ये थोड़ा ओपन होगा ये थोड़ा बनेगा, फिर ये थोड़ा और खुलेगा तो थोड़ा ये और बनेगा, थोड़ा और खुलेगा तो ये थोड़ा और बनेगा। तो इसमें अगर आप देखोगे तो 5' कितना आ रहा है 3', तो यहाँ भी कितना आएगा 5' to 3', यहाँ से भी 5' से क्या आएगा 3', तो ऐसे ये बन रहे हैं। ये जो छोटे छोटे सर फ्रेगमेंट बन रहे हैं ना
इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट को बोलते हैं ओका जाकी फ्रेगमेंट। क्या बोलते हैं? ओका जाकी, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? ओका जाकी फ्रेगमेंट, ठीक है ना। ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं इन्हीं को हम लोग ओका जाकी क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। अब लाइगेज एंजाइम आएगा आपका, कौन सा एंजाइम आएगा? लाइगेज। लाइगेज एंजाइम क्या करेगा? इनके बीच बीच में जो प्राइमर लगा होगा, क्या लगेगा? प्राइमर, जो आरएनए प्राइमर है, ठीक है ना, इनको हटाएगा। समझ में आ रहा है ना? इनके बीच बीच में जो आरएनए प्राइमर है इनको क्या करेगा? हटाएगा। और आरएनए प्राइमर को हटा करके ये जो ओका जाकी फ्रेगमेंट है इनको जोड़ने का काम करेगा। जोड़ने का काम करने का मतलब है यहाँ पर ये बॉन्ड बनाएगा, उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? फॉस्फो। क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है ये बनाने का काम किसका है? लाइगेज एंजाइम का है। लाइगेज एंजाइम में जो ओका जाकी फ्रेगमेंट को जोड़ रहा है, कैसे जोड़ रहा है? इसके बीच का प्राइमर हटा रहा है तो गैप बन रहा है, उस गैप को फिल कर रहा है, उस गैप को जोड़ रहा है। कौन से जोड़ रहा है? ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो लाइगेज एंजाइम बेसिकली क्या कर रहा है? ये जो छोटे छोटे आपके ओका जाकी फ्रेगमेंट है इनको जोड़ने का क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो लगातार इस तरीके से बनती जाती है लगातार, और एक टाइम के बाद आपका डीएनए क्या होता है? ओपन हो जाता है। जैसे ही डीएनए पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा, पूरा का पूरा डीएनए को हम लोग क्या कर लेंगे? कॉपी कर लेंगे। तो अगर आप देखोगे तो सर आपका एक डीएनए का जो सेगमेंट होगा वो कैसा होगा? पेरेंटल होगा। कैसा होगा? पेरेंटल। और एक डीएनए आपने क्या किया? न्यूली सिंथेसाइज किया। तो इसीलिए इस तरीके के रेप्लिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। बोलो, दिक्कत तो नहीं है? ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखना, जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होगा इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होगा इसमें क्या होगा? स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप होगा ओरी को फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? ओरी को, ठीक है। सेकंड जो स्टेप होता है वो ये होता है कि ओरी आपको जैसे ही मिलेगा तो ये जो आपका डीएनए हेलिकेज है या डीएनए का जो हेलिक्स है इसको ओपन करना है। क्या करना है? ओपन करना है। तीसरा जो आपका स्टेप होता है, जो आपका आरएनए जो प्राइमर होता है वो आपका क्या होता है? जुड़ता है, ठीक है ना। आरएनए प्राइमर क्या होगा? जुड़ेगा। और इसमें कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा? आरएनए प्राइमेज। कौन हेल्प करेगा? आरएनए प्राइमेज, ठीक है। और ये ध्यान रखना, जैसे ये जुड़ेगा तो आपका ये डीएनए पॉलीमरेज आएगा और लगातार इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस क्या करता रहेगा? लगाएगा। और ये आपकी स्ट्रैंड लगातार ऐसे बनती रहेगी। ये जो आपका डीएनए पॉलीमरेज है, ध्यान रखना, ये हमेशा जब ये डीएनए बनाता है, जब भी कोई चेन बनाएगा तो उसकी पोलैरिटी कहां से कहां बनाएगा? 5-2 3-, ठीक है। 5-2 कहां बनाएगा? 3-. तो इस स्ट्रैंड को देखो, यहां से जो बना रहा है 5-2 3-, तो ये जो स्ट्रैंड है लगातार बनती जा रही है, डेट इज वाई इसे कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या है? लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। लेकिन इधर अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा बना, पहले ये बनेगा, ठीक है, फिर डीएनए थोड़ा और खुलेगा तो ये अंदर से इसे फिर से बनाएगा, फिर डीएनए थोड़ा और खुलेगा तो ये फिर इसको फिर बनाएगा, फिर डीएनए और खुलेगा तो ऐसे बनाएगा। तो ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन रहे हैं इन्हीं फ्रेगमेंट को ओका जाकी क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि भाई आपका आरएनए जो प्राइमर है वो जुड़ गया। आरएनए प्राइमर जुड़ने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्या लग रहा है? बेस। क्या ये जो आपका ये डीएनए पॉलीमरेज जो बेस लगा रहा है ये भी तो एक एंजाइम ही है? तो जब ये एक एंजाइम है, जब ये बेस लगा रहा है तो क्या सारे बेस करेक्ट ही लगाएगा? क्या नहीं? क्या इसके अंदर मतलब डिफेक्ट नहीं होगा? होगा। तो इसीलिए क्या होता है, कुछ सुपरवाइजर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं? दोबारा विजिट करते हैं कि यार कोई बेस गलत तो नहीं लग गया है। तो अगर कोई बेस गलत लग गया तो उसकी सीक्वेंस क्या करते हैं? वो ठीक करते हैं। अगर कोई उसके अंदर एरर है उसको वो क्या करते हैं? रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं? उसको रिपेयर करते हैं। तो इस तरीके से ये होगा, ठीक है ना। अगर कोई बेस गलत लग गया तो उसको ठीक करते हैं, अगर डीएनए में कुछ दिक्कत है तो उसको क्या करते हैं? रिपेयर करते हैं। तो ये सारी चीजें होंगी, धीरे धीरे आपका ये पूरा का पूरा डीएनए क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। और जब पूरा का पूरा डीएनए ओपन हो जाएगा, पूरे के पूरे डीएनए की कॉपी बन जाएगी, तो एक स्ट्रैंड तो पेरेंटल है और एक ही स्ट्रैंड आप बना रहे हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब है डीएनए का रेप्लिकेशन बेसिकली कैसा होगा? सेमी कंजर्वेटिव होगा। कैसा होगा? सेमी कंजर्वेटिव। रेप्लिकेशन फॉर्क कब बनता है? जब अनविंडेज एंजाइम हेलिकेज एंजाइम डीएनए को क्या करता है? ओरी से क्या करता है? ओपन करता है। तब वो जो वाई शेप का स्ट्रक्चर है उसी वाई शेप के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क। ध्यान रखते हैं चारों एंजाइम इंपॉर्टेंट है, इसका काम है जोड़ने का। ये आरएनए प्राइमर जो सिंगल स्ट्रैंड है इसके कॉम्प्लीमेंट्री से इसको क्या करना है? जोड़ना है। डीएनए पॉलीमरेज आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री क्या लाता है? बेस लाता है।
अनविंडेज अनहेलिकेज जो एंजाइम है ये हेलिकल को डीएनए को क्या करता है, ओपन करता है। इस पे भी ध्यान रखना, ये वाली जो स्ट्रैंड है 5-3, तो इसके इधर कैसे क्या बन गया 5-3, ये वाली स्ट्रैंड को कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बोलते हैं। ये जो बन रही है ठीक है ना, इसको हमने क्या नाम दिया, लीडिंग स्ट्रैंड। यहाँ जो बन रही है उसको क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। समझ में आ रहा है? और जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट है उसको क्या नाम दे दोगे, प्रजाति फ्रेगमेंट। इनके बीच में जो गैप है मतलब प्राइमर हटाए जाते हैं, फिर देखो ऐसा है ना, यहाँ प्राइमर लगेगा और यहाँ पर ये बन जाएगा ठीक है, इसके बाद डीएनए थोड़ा और खुलेगा, फिर यहाँ प्राइमर लगेगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज इसको बनाएगा, तो बीच बीच में प्राइमर है यहाँ पर, तो प्राइमर को हटाया जाता है और उसके बाद ये ओका जाकी फ्रेगमेंट को जोड़ा जाता है। कौन से बॉन्ड से जोड़ा जाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ठीक है ना, और जो एंजाइम जोड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, लाइगेज एंजाइम। क्या बोलेंगे, लाइगेज एंजाइम। बोलो क्लियर है? यही डीएनए का आपका क्या है, रेप्लिकेशन है। देख लो ध्यान से।